हिमाचल में हुई त्रासदी से हर कोई वाकिफ है। लैंडस्लाइड, बाढ़ और टूटती सड़कें ये लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए काफी है। लेकिन हिमाचल के मौजूदा हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है और बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल के कुल्लू पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में बताया कि नितिन गडकरी ने कुल्लू मनाली में हुई तबाही के हालातों का जायजा लिया और सड़कों की मरम्मत के लिए CRF से 40 करोड़ की राहत देने की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने ये भी बताया कि NH और 4 लेन के हुए नुकसान को भी केंद्र सरकार अपने पैसों से बहाल करवाएगी। मैंने कहा कि नेशनल हाईवे 4 लेन के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो भी जितना भी खर्च होगा उस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगा, उसमें दोहराएगी और उसके साथ एडिशन और की उन्होंने, और वो एडिशन और की कि नेशनल हाईवे 4 लेन के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं उन पुलों का निर्माण भी, अगर कोई रिपेयर करना है तो उसका रिपेयर भी हम केंद्र के खर्चे पर करेंगे, मैं उसके लिए पैसे का प्रावधान करूंगा। इन दिनों हिमाचल में सेब का सीजन शुरू हो चला है, लेकिन लगातार हो रही बारिश बागवानों के लिए नुकसान की वजह बन गई है। सड़कें बंद होने के कारण सेब मंडियों में पहुंचने से पहले ही सड़ गए हैं, जिससे बागवान सेब को नालों में फेंकने को मजबूर हैं, जिसके लिए जयराम ठाकुर ने सरकार को दोषी ठहराया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में रेस्टोरेशन का काम धीमी गति से चल रहा है, सरकार को सड़कों की बहाल करने के काम में गति लाने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी तक जो रेस्टोरेशन का जो काम रोड्स का, वो जो गति पकड़नी चाहिए थी वो गति अभी तक नहीं है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि सेब के सीजन में अगर सड़क प्रॉपर जल्दी नहीं बन पाती है, चलने लायक नहीं बन पाती है, तो बागवानों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उनका सेब नष्ट हो जाएगा। और हाल ही में आप लोगों ने इस प्रकार के वीडियो देखे भी, लोगों ने आहत होकर के परेशानी में सेब की फसल तैयार होने के बावजूद मार्केट में जब नहीं पहुंचा पाए उस सेब को नदी में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, ये भी आपने देखा। दौरे के दौरान अधिकारी नदारद मिले तो उस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हैरानी जताई है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार और अधिकारियों में तालमेल नहीं है, सरकार की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। अब विपक्ष के इस बयान के बाद सरकार अधिकारियों पर क्या एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।